इफ ए वन ए टू ए थ्री अप टू एन आर इन एपी एंड ए वन ए फोर ए सेवन ए सिक्सटीन 114, ठीक है, देन ए वन ए सिक्स ए इलेवन। अब एक काम करो, सिक्स ए वन ए टू अप टू ए सिक्सटीन की ही सीरीज मान लो, 16 टर्म की ही सीरीज मान लो चाहो तो। अब आपको क्या बोला, ए वन ए फोर ए सेवन अप टू ए सिक्सटीन। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का समेशन किसके इक्वल होता है? अगर हम फर्स्ट ए वन प्लस ए एन करें तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस ए होता है, या लास्ट टर्म प्लस ए होता है, एल प्लस ए, फर्स्ट और लास्ट, और सेकेंड लास्ट टर्म भी बोलो ए प्लस एल। तो इसका मतलब है यहां पर टोटल टर्म जो होंगे, ए वन ए फोर ए सेवन टोटल कितने होंगे, 1 4 7 10 13 16, ये एक होगा, ये एक होगा और ये एक होगा। तो आप बोल सकते हो 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस एल इक्वल टू 114। तो ए प्लस एल कितना, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 2 38। अब ये भी उसी ऑर्डर में देखो, ये सेम, ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस एल, तो 2 इंटू 38, तो 38 वाला आंसर नहीं होगा उसका, डबल 76।